ब्रेक के बाद स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एंट्री पर अड़े हुए हैं लगातार किसान संगठन, और इसी में अंबाला शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान और पुलिस फोर्स जो है वो आमने सामने है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है और किसान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस पर पथराव भी हुआ है। पुलिस ने लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और आंसू गैस के गोले के कारण ही किसान एक बार पीछे हटे हैं। धुआं कम होते ही तुरंत फिर आगे आए किसान, ये भी जानकारी अभी ऊपरी तौर पर मिल रही है। पुलिस फिर से आंसू गैस के गोले छोड़ने लगी है। मौके पर अभी हजारों किसान वहां पर हैं। फतेहगढ़ साहिब से 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्राली जो है वो अभी रास्ते में है, ये अब तक जानकारी प्राप्त हो रही है। तो दिल्ली में एंट्री को किस प्रकार से रोका जाए, कैसे भी रोका जाए, ये पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। देखिए किस प्रकार से ये आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए तो कैसे भीड़ तितर बितर हुई, उसकी तस्वीर आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी देर रुके, जब आंसू गैस के गोले छूटे तो भीड़ तितर बितर हुई, उसके बाद में फिर वो आगे बढ़े। जैसे जैसे थोड़ा धुआं कम हुआ वैसे वैसे फिर किसान आगे बढ़े, लेकिन पुलिस लगातार ये काम कर रही है कि किसी को भी एंट्री ना दिया जाए और वो पीछे हट जाए, ये आंदोलन ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। आंसू गैस के गोले ना सिर्फ छोड़े जा रहे हैं बल्कि ड्रोन से भी गिराए जा रहे हैं। इसके लिए लगातार पुलिस अपना नजर हर तरफ बनाए हुए है, पैनी नजर बनाए हुए है। अंबाला शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान और पुलिस फोर्स आमने सामने है, ये तस्वीर आपको वहीं की दिखाई जा रही है। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कहीं से भी एंट्री बंद है और बहुत से रूट ऐसे हैं जिनको डायवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल आपको ये बता दें कि सभी जो रूट हैं वो कुछ रूट डायवर्ट किए गए हैं और इससे आवागमन में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लोग आम जनता है उसको परेशानी हो रही है। फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको साफ जाहिर हो रहा होगा, इससे साफ पता चल रहा है कि किस प्रकार से वहां पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो कैसे जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी वो तितर बितर हो गई, इधर उधर भागने लगे लोग जो किसान वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद वो थोड़े पीछे भी हटे, उसके बाद जैसे ही धुआं कम हुआ उसके बाद फिर से उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर से लेकर आएंगे उससे जो है यहाँ पर यातायात बाधित होगा। और आगे जो अगर वो दिल्ली की तरफ भी जाते हैं तो ट्रैक्टरों से पिछली बार भी हुआ था, सारे लोग परेशान हुए थे, यातायात बाधित हो गया था और सोनीपत के पास सारी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी, तो हरियाणा के लोगों को काफी नुकसान हुआ था। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आए, पैदल आए तो हमें उन पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे, बसों से जाएं ट्रेन से जाएं हम उन्हें जाने देंगे, लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने देंगे। अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे, बस ट्रेनें चल रही हैं, बसें भी चल ही रही हैं, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो जो है वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर से उन्हें जाने नहीं। डिप्लॉयमेंट जो है पूरी फोर्स है हमारे पास, जिससे कि ट्रैक्टरों से जो है आवागमन जो है हम लोग रोक पाए, क्योंकि उनसे जो है सारा ट्रैफिक रुक जाता है, काफी दिक्कतें आती हैं लोगों को। तो यहाँ के लोगों ने भी, अम्बाला और आसपास सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ट्रैक्टरों से ना आने दिया जाए, और उसी के तहत उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ना आने दिया जाए, उसके तहत 144 लगाई गई थी और उसी की जो है पूरी अनुपालना की जाएगी।